नमस्कार दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, ए हार्ड फ्रॉस्ट इन इंजूरियस टू इट, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मीन्स पाला ना पड़े 210 दिन, एंड 50 से 100 सेंटीमीटर जो है वर्षा हो इसके लिए, ए लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल, कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर, इज आइडियली सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दैट क्रॉप। अब देखिए, जूट को तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, पाला वाला से तो कुछ लेना देना है नहीं, तटीय इलाकों में होती है तो जूट तो आप ऐसे ही हटा देंगे। गन्ना जो है अच्छा खासा पानी लेता है, लेकिन ये पाले वाली कंडीशन गन्ने के साथ भी नहीं होती है, ठीक है। चाय जो है, चाय कोई पहाड़ी इलाकों में होती है, इसलिए थोड़ा बहुत जो है आपको कन्फ्यूजन होने की संभावना है, तो आप चाय और कपास इन दोनों में उलझेंगे। लेकिन अब आप जो है गौर करो कि चाय जहाँ होती है वहाँ बारिश बहुत कसके होती है, तो 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश चाय के लिए तो नहीं चलेगी, तो कौन है फिर, तो कपास बचे तो ठीक है, चलिए कपास है। फिलहाल हमने जो है बाकी फसलों के लिए भी आंसर ये था, बाकी फसलों के लिए भी नीचे हमने डिटेल डाल दिए हैं, जैसे चावल, तो चावल को देखिए टेम्परेचर चाहिए 15 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और रेनफॉल चाहिए 100 से 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और मिट्टी देख रहे हैं हैवी क्लेई टू क्लेई लोम। प्रोड्यूसर देख लीजिए, देखिए मिट्टी की कैटेगरी अभी हो सकता है इसमें कई सारे लोगों को देख के समझ में नहीं आएंगी, आप मिट्टी पे भी ध्यान मत दीजिएगा। वैसे जो चावल के लिए आप जानिए, थोड़ा सा जो है दलदली मिट्टी चाहिए रहती है, पर अच्छी खासा पानी डाला जाता है पहले, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स आप देख लीजिए, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना है चावल का, उसके बाद फिर इंडिया, उसके बाद आप देखेंगे लीडिंग एक्सपोर्टर जो है वर्ल्ड में थाईलैंड है, ठीक है। प्रोड्यूसर सबसे बड़ा चाइना है, लेकिन एक्सपोर्टर चावल का थाईलैंड है, ये बात याद रखिएगा। और भारत जो है दूसरे नंबर पर है उत्पादन में। उसके बाद गेहूं की बात करें आप, तो 12 से 25 डिग्री, देखिए रबी की फसल है तो 12 से 25 डिग्री क्यों, क्योंकि जब बोई जाती है तो उस समय सर्दी रहती है, और जब काटी जाती है मार्च में तो उस समय ही 25-30 डिग्री का सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है, तो इसमें याद रखने ऐसा कुछ है नहीं। सर्दियों के टाइम बारिश ज़्यादा होती नहीं, हल्की फुल्की पश्चिमी विक्षोभ से बारिश हो सकती है, तो 25 से 75 सेंटीमीटर बारिश, तो गेहूं तो आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। चावल का आप इसलिए याद रख सकते हो कि पानी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए जो है, और अपने आप देखते होगे इसीलिए खरीफ की फसल है भी, कि जिस समय मानसून का टाइम चल रहा होगा उसी समय चावल वगैरह उगाया जाता है, उनको नुकसान भी होने की संभावना थोड़ी कम रहती है अगर ओले ओले नहीं गिरते हैं तो, ठीक है। तो चावल को, गेहूं को पानी भी ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए चाइना जो है गेहूं में भी, देखिए चावल में भी प्रथम स्थान पे, गेहूं में भी प्रथम स्थान पे, भारत जो है दोनों में पीछे ही पीछे है। हालांकि ये जो है इस सीरियल के अकॉर्डिंग है कि नहीं है ये कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ जो पहला वाला है इसको तो बिल्कुल जो है ये श्योर शॉट है, ठीक है। और लीडिंग एक्सपोर्टर जो है वर्ल्ड में गेहूं का वो यूएसए है। प्रोड्यूसर आपने देख लिए, मेज़ मक्का को देख लीजिए, अब मक्का भी आप देख लो, मक्का जो है कब बोई जाती है, 15 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 65 से 125, मतलब टेम्परेचर तो लगभग गेहूं जैसा, पर पानी जो है गेहूं से लगभग दुगना सा चाहिए, ठीक है। मतलब मक्का की खेती में पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर जो है वही चलेगा गेहूं वाला, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसर्स देख लीजिए, तो अमेरिका है, चाइना है, ब्राज़ील है, बाकी आप अपने आप से देख भी लीजिएगा। लीडिंग एक्सपोर्टर यूएसए ही है, ठीक है। मक्का का भी लीडिंग एक्सपोर्टर यूएसए है। मक्का को लोग वहाँ खाते नहीं, वहाँ जानवर खाते हैं अमेरिका में, है ना, आदमी नहीं खाते। चौथा मिलेट्स को देखिए, तो मिलेट्स आप जानते हैं शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है, टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, रेनफॉल हल्का ही चाहिए क्योंकि मोटे अनाज की फसल है ना। और चाइना प्रोड्यूसर हैं, चाइना, यूएसए, इंडिया, नाइजीरिया, यूक्रेन, थाईलैंड, रशिया, टर्की। लीडिंग एक्सपोर्टर जो है वर्ल्ड का वो यूएसए ही है। यूएसए जो है देखिए 3 फसलों में लीडिंग एक्सपोर्टर हो गया है। उसके बाद बाजरा की बात करें आप, तो इसमें भी देखिए पानी ज़्यादा चाहिए नहीं, तापमान जो है अच्छा खासा झेल सकती है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स इन इंडिया, पर्ल मिलेट जो है इंडिया में ही खास तौर से ज़्यादा हो रहा है, देख लीजिए आप राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। दालों की बात करें तो ये खरीफ क्रॉप है, देखिए सबके आगे ब्रैकेट में लिखा है कौन सी क्रॉप है, ठीक है। तो एक मिनट आप रुकिएगा, तो दाल जो है ये खरीफ की फसल है, तो ऑब्वियसली
तापमान देखिए कितना, 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल 25 से 60, सॉइल का टाइप आप देख ही रहे होंगे, इंडिया में प्रोड्यूसर आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है ना दालों को लेकर के। फिर जो है लेंटिल, ये रबी क्रॉप है, ये भी लेंटिल भी एक तरीके से दाल ही है ना, तो ये देखिए आप इसमें 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश। फिर उसके बाद ऑयल सीड आप देख रहे होंगे। आप जो है एक बार इनको गौर से देखिए और इन पर गौर सिर्फ ये करिए कि कौन सी फसलों में बारिश कम, पहले आप इनको छांट लीजिए जिनमें पानी कम चाहिए और जिनमें पानी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और उसके बाद टेम्परेचर के हिसाब से छांट लीजिए, जिनमें पानी, जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, जिसमें टेम्परेचर कम चाहिए। ऐसा करके जब आप इन्हें तोड़ देंगे ना कई जगह, कम से कम 4 जगह जब टूट जाएंगी ये, तब अपने आप जो है फसलें कम हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल हमने जो है लगभग आप देखेंगे तो 24 फसलों का है, जैसे मूँगफली है, मूँगफली को यहाँ इंक्लूड किया है, आप इसको अपने आप से वीडियो पॉज कर करके देख लीजिएगा। गन्ना है, ठीक है, गन्ने के बाद में आप आगे देखो शुगर बीट है, शुगर बीट के बाद में कॉटन भी डाल रखा है, ठीक, कॉटन ऊपर क्वेश्चन में था भी। उसके बाद चाय है, चाय को देख लीजिए, चाय में देख रहे होंगे आप रेनफॉल 100 से 250 सेंटीमीटर चाहिए, बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होता है ना, इसीलिए आसाम वगैरह में जहाँ होती है तो वहाँ। इस बार UPSC ने 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि 4 स्टेट दे रखे थे, पूछा था इनमें से कौन कौन से चाय उत्पादक हैं, तो उसमें कई सारे लोगों को आंध्र प्रदेश को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन आंध्र प्रदेश भी जो है चाय उत्पादक था, बाकी के 3 और त्रिपुरा को लेकर भी कन्फ्यूजन ही था, तो त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, आसाम और एक और दे रखा था उन्होंने कोई, तो चारों ही स्टेट जो है वो चाय उत्पादक उन्होंने माने थे, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए कॉफ़ी है, कॉफ़ी को भी अच्छी खासी बारिश चाहिए, कर्नाटक में जो है कॉफ़ी जो है काफ़ी होती है ना, जिन्हें देखिए अच्छी खासी बारिश चाहिए तो उनके एरिया आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं। अब कर्नाटक है जैसे पश्चिमी घाटों में पड़ता है तो इसलिए अच्छी खासी बारिश हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कोकोआ, कोकोआ को भी देखिए अच्छी खासी बारिश चाहिए, तो अपने आप समझ जाएंगे कहाँ हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता। आप इनको जो है फसलों को ऐसे ही तोड़िए, ज़्यादा बारिश वाली, कम बारिश वाली, ज़्यादा तापमान वाली, कम तापमान वाली, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आप देख सकते हैं ज़्यादा तापमान ज़्यादा बारिश वाली, कम तापमान कम बारिश वाली, ऐसा करके आप कैटेगरी बनाएंगे, सारी आपको एकदम अच्छर सा याद हो जाएंगी। और नहीं तो जो है मैं एक बार, समय मिलेगा कभी तो मैं ये करके जो है एक बार डिस्कशन करूँगा सारी फसलों के ऊपर। फिर रबड़ के बारे में भी है, ठीक है, ये स्क्रॉल इसलिए कर रहे हैं ताकि आप पॉज करके देख सको। रबड़, रबड़ के बाद में फिर आप देखिए जूट है, ठीक है, जूट के बाद में फ्लैक्स, फ्लैक्स के बाद में कोकोनट, नारियल है, नारियल को भी देखिए पानी कितना ज़्यादा चाहिए, 100 से 250 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन 600 मीटर अबव हो सी लेवल के, ठीक। फिर उसके बाद ऑयल पाम, पाम ऑयल पे UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है, तो पाम ऑयल को ध्यान रखिए, इसमें भी देखिए बारिश कितनी ज़्यादा चाहिए है ना। फिर उसके बाद लौंग, लौंग में भी बारिश देखिए कितनी ज़्यादा चाहिए, तो इनको बिल्कुल छांट लीजिएगा आप। ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर में भी बारिश देखिए कितनी ज़्यादा चाहिए, काली मिर्च में, तो ये सब चीज़ें जो है पश्चिमी घाट में ही जाएंगी, या फिर जो है आप देख सकते हैं उधर पूर्वोत्तर भारत की तरफ इतनी ज़्यादा बारिश होती है, तो पूर्वोत्तर भारत में होता है कि नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ये सारी चीज़ें कभी मेंस के क्वेश्चन में भी इस तरीके की चीज़ें लिखने को आ सकती हैं। 23वां कार्डेमम, इलायची देख रहे होंगे आप, इसे भी भयानक बारिश चाहिए। टर्मरिक, इनको भी 150 से 200 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। तो कुल मिला के टेम्परेचर और बारिश, इन दोनों के आधार पर आप जो है फसलों को जब बांटेंगे तो काफ़ी चीज़ें पड़ जाएंगी, फिर उत्पादक भी याद करना आपको आसान हो जाएगा। एटलीस्ट आप जो है, अगर आपको विश्व के मैप का ठीक से पता है कि कहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, कहाँ पे जो है विषुवत वर्षा बने, कहाँ ज़्यादा बारिश होती है, ऐसा है ना। दूसरा प्रश्न हमारा आज का देख लीजिए, विद रेफरेंस टू करेंट ट्रेंड्स इन द कल्टीवेशन ऑफ सुगर केन इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसको देखिए आप, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है टिपिकल था जब आया था, 2020 में आया था ये। अ सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज व्हेन बड चिप सेटलिंग्स आर रेज्ड इन अ नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड। मतलब ये कि नर्सरी में पहले उगाएं छोटा छोटा, फिर जो है उसको बो दे ले जाके खेत में, तो इससे जो है बीज की बचत हो जाएगी। दूसरा, व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन द जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर विद सिंगल बडेड सेट्स एज कंपेयर टू सेट्स विद मैनी बड्स। तो ये स्टेटमेंट जो है देखिए, जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर विद सिंगल बडेड सेट्स एज कम्पेयर टू सेट विद मैनी बर्ड्स। तो ये जो है जर्मिनेशन, ये स्टेटमेंट जो है गलत था। हालांकि आप इसके बारे में बहुत डिटेल में जाकर के कहीं देखेंगे तो आज भी आपको जो है टेक्नोलॉजिकली मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन UPSC ने इस स्टेटमेंट को गलत माना था। तीसरी बात, तीसरा स्टेटमेंट देख लीजिए, इफ वेट वेदर कंडीशंस प्रिवेल
When sets are directly planted, single budded sets have better survival as compared to large sets. अब ये चीज़ देखिए, ये थोड़ा सा statement अपने आप common sense से आप समझ सकते हैं कि weather conditions से मतलब क्या असर पड़ेगा, चाहे एक हो, चाहे एक बड वाला हो, चाहे चार बड वाला हो. चौथा, sugar cane can be cultivated using saplings prepared from tissue culture. तो ये तो देखिए can be मतलब आ गया, ये तो statement सही. तो पहला और चौथा सही है. तीसरा statement जो है ये कन्फ्यूजन में रहता, मीन्स जब ये क्वेश्चन आया था तो इसमें दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ऐसा था कि जिसके बारे में कॉमन सेंस भी लगा पाना थोड़ा कठिन काम था. लेकिन इसका आंसर जो है, ये दूसरा तीसरा स्टेटमेंट जो है, ये वास्तव में गलत ही था. इसका आंसर 1 और 4 था. ठीक है, तो कठिन था. अभी फिलहाल गन्ने के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में. तो गन्ना, इसका साइंटिफिक नेम है सैकेरम ऑफिसिनारम, अच्छा नाम है. परिवार ग्रैमिनी, भारत में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसल है. ग्रैमिनी इनके परिवार का नाम है गन्ने का. तो यह राष्ट्रीय खजाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है. विश्व के गन्ना उत्पादक देश उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले भूमध्य रेखा के 36.7 डिग्री उत्तर तथा 31 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच स्थित हैं. तो अब देखिए यहाँ से ये आप आगे से कभी एलिमिनेट इस बेसिस पे कर सकते हैं. तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को जब आप फसलों के बारे में ध्यान रखें तो फिर जो है आपको आसानी होगी एलिमिनेट करने में. ठीक है, कि अब जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होगा या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होगा, तो ऐसे कभी एलिमिनेशन करने में फ़ायदा हो जाता है. ठीक है ना, और वो ऐसे ही क्वेश्चन बनाते ही हैं कि यह जो सामान्य समझ का मतलब यही है कि देखने में टफ लगेगा लेकिन थोड़े से लॉजिक से कभी कभी टूट जाता है. तो अपने को क्या, हर तरीके से तैयार होना चाहिए. गन्ने की उत्पत्ति न्यू गिनी में हुई जहाँ इसे हजारों बरसों से जाना जाता है. देखिए कभी कभी पूछ लेते हैं नेटिव है कि नहीं. अब गन्ना जो है बहुत फेमस फसल है लेकिन नेटिव है कि नहीं, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन रहता था. ध्यान रखिएगा कि उत्पत्ति इसकी न्यू गिनी से हुई. तो इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया या साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, कहीं का भी नेटिव नहीं है ये. ठीक, उत्पत्ति इसकी न्यू गिनी से हुई है. तो न्यू गिनी आप जान ही रहे होंगे, वहाँ एकदम कोने में है न्यूजीलैंड के पास. मैप वगैरह देखते रहा करिए. ठीक है, जहाँ इसे हजारों वर्षों से जाना जाता है. गन्ने के पौधे एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में मानव प्रवास मार्गों पर फैले हुए हैं. ठीक है, यहाँ इसने कुछ जंगली गन्ना रिश्तेदारों के साथ संकरण करके उस व्यावसायिक गन्ने का उत्पादन किया जिसे हम आज जानते हैं. भारत में गन्ने की खेती वैदिक काल से होती आ रही है. गन्ने, अब देखिए वैदिक काल से होती आ रही है, इंपॉर्टेंट बात है गन्ने के बारे में, है ना. गन्ने की खेती का सबसे पहला उल्लेख 1400 से 1000 ईसा पूर्व की अवधि में अवधि के भारतीय लेखों में मिलता है. अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि भारत सैकरम प्रजाति का मूल घर है. सैकरम बारबेरी और पॉलिनेशियन द्वीप समूह, विशेष रूप से न्यू गिनी एस ऑफिसिनारम की उत्पत्ति का केंद्र है. यह परिवार ग्रैमिनाई, खैर ये थोड़ी फालतू की डिटेल है. खेती की जाने वाली दो मुख्य समूहों से संबंधित हैं. अभी अब देखिए बाकी की जानकारी जो है अभी अपने लिए बहुत काम की नहीं. नीचे देखिए, भारत में गन्ने की खेती के लिए महत्वपूर्ण, ऊपर कर देते बाकी चीज़ें. हाँ, यहाँ से देखिए, भारत में गन्ने की खेती के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र मोटे तौर पर अलग अलग दो जलवायु क्षेत्र हैं, अर्थात उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय. क्योंकि आपको पता होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, तो इसमें कुछ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी आता है 23 डिग्री तक, और उसके ऊपर जो है उपोष्णकटिबंधीय भी आता है. तो हालांकि विभिन्न प्रकार के विकास के उद्देश्य से मुख्य रूप से 5 कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है. ठीक है, ध्यान रखिएगा वैसे 2 हैं लेकिन अगर उस तरीके से देखें उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पर, ओवरऑल जो है 5 क्षेत्र हैं इंडिया के अंदर. तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी गन्ना होता है यानी राजस्थान की तरफ. दूसरा, उत्तर मध्य क्षेत्र में भी गन्ना होता है यानी MP मान लीजिए. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी गन्ना होता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भी गन्ना होता है, और तटीय क्षेत्र में भी गन्ना होता है. तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ गन्ना नहीं होता. अगर ऐसा स्टेटमेंट उठपटांग मिल जाता है तो धोखा नहीं खाना है. उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र 77 टन पर हेक्टेयर की औसत उत्पादकता के साथ देश में कुल गन्ना क्षेत्र और उत्पादन का क्रमशः 45% और 55% मीन्स क्षेत्र 45% है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, औसत उत्पादकता के साथ जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो 45 और 55, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र 45% है और उत्पादन में हिस्सेदारी 55% है. समझ रहे हैं, मतलब क्षेत्र कम है उत्पादन ज़्यादा है. और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गन्ने का कुल क्षेत्रफल का लगभग 55% क्षेत्रफल है और 45% योगदान है. तो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हल्का सा कम गन्ना पैदा होता है और बाकी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें गन्ना थोड़ा
ज़्यादा पैदा होता है, ठीक है, ऐसे एनालिटिकली समझते चलिए। और औसत उत्पादकता लगभग 63 टन पर हेक्टेयर है। अब मिला जुला के पूरा अगर देखें भारत की तो 63 टन पर हेक्टेयर उत्पादकता है। उष्णकटिबंधीय गन्ना क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय गन्ना क्षेत्र में गन्ना कृषि जलवायु क्षेत्र, अब उष्णकटिबंधीय में कौन होगा तो आप समझ ही रहे हैं 23.5 डिग्री के अंदर जो आएगा यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया और तटीय क्षेत्र हो गया, बाकी के 3 क्षेत्र जो हैं वो उपोष्णकटिबंधीय में शामिल होंगे, तो इसमें बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। ये ध्यान रखिएगा उपोष्णकटिबंधीय में उत्पादन कम होता है, क्षेत्रफल ज़्यादा है। अब ये कॉमन सेंस की चीज़ है, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब उसके बाद जो है आगे देखिए आप इसके बारे में कि भारत में गन्ने की खेती कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर बाकी के पूरे देश में जो है होती है। जलवायु संबंधी आवश्यकता, गन्ने की विभिन्न महत्वपूर्ण अवस्थाओं के लिए तापमान विभिन्न महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं, जैसे अंकुरण, किल्ले फूटना, प्रारंभिक वृद्धि, सक्रिय वृद्धि और बढ़ाओ, तो तापमान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन सारी प्रक्रियाओं में, ठीक है। स्टेम कटिंग के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसको जो है बहुत ज़्यादा 30 डिग्री से 34 डिग्री के बीच पठार तक पहुंच जाता है, तो अब इतना डिटेल में हम लोगों को देखने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल ये सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में हम लोग जो है आगे चलते हैं, फ़िलहाल हम लोग एक चीज़ ये देख लेते हैं, ज़रा सा इसको देख लीजिएगा मैप में, आपको गन्ना उत्पादन का क्षेत्र दिख जाएगा। ये देखिए प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य, जिसका रंग ज़्यादा गहरा है वो ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ये 3 जो है ज़्यादा उत्पादन करते हैं गन्ने का, ठीक है। फिर उसके बाद उससे कम है बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात, और उसके बाद नीचे तमिलनाडु भी है, और बिल्कुल कम में आप देखेंगे तो हरियाणा है, पंजाब है ना, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा गन्ना नहीं होता है, और बाकी को देख रहे होंगे आप सफ़ेद सफ़ेद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें गन्ना होता नहीं, गन्ना इनमें होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैप के थ्रू आप देख सकते हैं पहुंच करके। हम लोग अपने तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिसेस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, तो कौन सी प्रैक्टिसेस जो हैं वो इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के अंदर आती हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेग्यूमे इंटेंसिफिकेशन, टेंसियोमीटर यूज, वर्टिकल फार्मिंग, ठीक है। तो इसमें जो है आंसर है आपका केवल जो चौथी है, चौथी मतलब समझ रहे हैं, केवल वर्टिकल फार्मिंग जो है वो इको फ्रेंडली में आती, बाकी कोई भी जो है इको फ्रेंडली में नहीं आती है। अभी इसको हम लोग जो है डिटेल में देख लेते हैं। फसल विविधीकरण से तात्पर्य पूरक विपणन अवसरों के साथ मूल्यवर्धित फसलों से अलग अलग रिटर्न को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष खेत में कृषि उत्पादन में नई फसलों या फसल प्रणालियों को शामिल करना है, मतलब फसल विविधीकरण में एक फसल की जगह कई फसल एक साथ बो दी जाएंगी, है ना, एक मतलब कई, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कर देंगे, तो ये ध्यान रखना है अपने को। फसल प्रणाली या किसी विशेष कृषि क्षेत्र में वर्षों की अवधि में उपयोग की जाने वाली फसलों, फसल अनुक्रमों, प्रबंधन तकनीकों को संदर्भित करती है। तो प्रकार में आप देख सकते हैं कि फसल प्रणालियां भारत में कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं, तो मोनोक्रॉपिंग है, अनुक्रमिक फसल है, इंटरक्रॉपिंग है, रिले क्रॉपिंग है, मिश्रित फसल है, गली फसल है, तो ये इतने तरीके हैं खेती के भारत में, ठीक है। अब आप इसको ज़रा सा नीचे हमने जो है थोड़ा ठीक से इनका ये इसको आप देखेंगे, जो फोटो पड़ा हुआ है इसको आप बड़ा करके देखिएगा, तो इसमें जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की कुछ मेथड्स और कैसा कैसा हो सकता है उसके बारे में दे रखा है, तो उसको एक बार अपने पॉज करके खुद से देख लीजिएगा आप लोग। फसल विविधीकरण फिलहाल देख लीजिए, फसल विविधीकरण एक तकनीक है जिसका उपयोग कृषि की उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें एक ही खेत में अलग अलग फसलें उगाना शामिल है जिससे फसल खराब होने के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है। फसल विविधीकरण से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में भी मदद मिलती है। फिर जो लेग्यूमे इंटेंसिफिकेशन था उसको कहते हैं फलियां सघनीकरण, लेग्यूमे मीन्स होता है फलियां। फलियां घनता एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग फलीदार फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। फलियां नाइट्रोजन स्थिर करने वाली फसलें हैं जिसका अर्थ है कि उनमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करने की क्षमता होती है जिससे नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाती है। यह तकनीक मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार
और मिट्टी के कटाव को कम करने में भी मदद करती है। टेंसियोमीटर ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग मिट्टी की नमी के तनाव या सक्शन को मापने के लिए किया जाता है। ये उपकरण किसानों को यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि उन्हें अपनी फसलों की सिंचाई कब करनी है। टेंसियोमीटर के उपयोग से पानी की बर्बादी को कम करने और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। और चौथा है ऊर्ध्वाधर खेती। तो ऊर्ध्वाधर खेती एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था और नियंत्रित पर्यावरण कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके खड़ी परतों में फसल उगाने के लिए किया जाता है। यह तकनीक भूमि और पानी के उपयोग को कम करने में मदद करती है और फसलों के परिवहन की आवश्यकता को भी कम करती है। तो कुल मिला के ये इसके आंसर पे थोड़ा गौर करिएगा। इसमें जितने भी हैं ये सारे के सारे ही जो है मतलब कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली ही समझ में आ रहे हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है। जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है तो उससे सॉइल की उत्पादकता बढ़ रही है। लेग्यूमे इंटेंसिफिकेशन है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रही है। टेंसियोमीटर है तो टेंसियोमीटर की यूज़ से पानी की बर्बादी कम हो रही है। वर्टिकल फार्मिंग है तो उसमें जो है मतलब वो तो पर्यावरण पारिस्थितिकी के ही अनुरूप बनाई गई है। तो इसका आंसर जो है ये 1, 2, 3, 4 सही होगा, सारे ही सही हैं। ठीक है, इसका आंसर सी नहीं है, ये गलत है। तो उसके बाद हम लोग अपने चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है हमारा आज का, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो इसको हम लोग अभी मैप पे देख लेंगे। सारी नदियाँ, मेकोंग अंडमान सी, थेम्स आयरिश सी, वोल्गा कैस्पियन सी, जैम्बेजी इंडियन ओशियन। तो इसमें देखिए मेकोंग जो है वो अंडमान सी में नहीं गिरती है, वो जो है तो काफ़ी उधर जो है साउथ ईस्ट एशिया, आप समझ रहे होंगे मेकोंग जो है एकदम वियतनाम के लास्ट में जा कर के गिरती है, जा कर के, है ना। अंडमान सी तो इधर भारत के ही पास रह गया। थेम्स आयरिश सी, तो थेम्स जो है ये नदी एकदम उल्टी बहती है, आज इधर आयरलैंड है यूनाइटेड किंगडम में तो उधर है ही नहीं, उस तरफ प्रवाह ही नहीं है थेम्स नदी का। थेम्स नदी का प्रवाह उसके अपोजिट साइड में है। तो ये दोनों अगर मैप कोई देखता है तो उसको पता चलता है। अभी मैप आगे देखेंगे हम लोग तो पता चल जाएगा। वोल्गा कैस्पियन सी में ही गिरती है और जैम्बेजी जो है वो इंडियन ओशियन में ही गिरती है, ये मेडागास्कर की तरफ जो है मुंह करके बहती है। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग मैप में। चलिए मैप देख लेते हैं एक बार। तो ये है मेकोंग नदी, तो मेकोंग नदी आप देख रहे होंगे ये आके जो है वियतनाम के लास्ट में डेल्टा बना करके और गिर रही है। गल्फ ऑफ थाईलैंड इधर है, ऊपर जो है गल्फ ऑफ टोंकिन है, देख रहे होंगे आप। ये साउथ ईस्ट एशिया का जो मोटा सा हिस्सा निकला हुआ है, एक तरफ गल्फ ऑफ थाईलैंड है इसके नीचे, ऊपर जो है गल्फ ऑफ टोंकिन है। ठीक है, तो ये अंडमान सी में नहीं गिरती है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आप दूसरा देखिए जो यूके है, यूके में आप देख रहे होंगे कि आपको देखिए मैप में आपको बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो टुकड़ा दिख रहा है वो आयरलैंड है, और ये नदी आप देख रहे होंगे एक नदी जो है, अभी हम आपको दिखाते हैं, रुकिए। अब आप देखो मैप में जो लेफ्ट हैंड साइड में टुकड़ा दिख रहा है वो है क्या, आयरलैंड, और आयरिश सी बीच में है। और ये जो नीचे लाइन आपको दिख रही है नीली नीली मुख्य जमीन के टुकड़े में जो जाके अंत में राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है, ऊपर वाली नहीं, देखिए दो नीली लाइन दिख रही होंगी, वो ऊपर वाली नहीं नीचे वाली देखिए, ये थेम्स नदी है, आयरिश सागर के एकदम उल्टा बहती है। ठीक है, तो ये भी जो है वहाँ नहीं गिरती है। ये देखिए वोल्गा नदी, वोल्गा नदी आप देख रहे होंगे नीली लाइन आ रही है सीधी कैस्पियन सी में जाकर के गिर रही है। ठीक है, यूराल नदी भी देखिए आकर के कैस्पियन सी में ही गिर रही है। तो दो नदियां तो इस मैप में साफ साफ दिख रही हैं, यूराल नदी, यूराल पर्वत जो है आप जानते होंगे यूरोप से अलग करता है, मतलब जो रशिया है, रशिया को 60 डिग्री देशांतर पर यूराल पर्वत पड़ता है और 60 डिग्री देशांतर पे के पश्चिम में जो हिस्सा पड़ता है वो एक तरीके से यूरोपीय हिस्सा है रशिया का, बाकी पूरा एशिया में दाहिनी तरफ एशिया महाद्वीप में माना जाता है। आप मैप उठा के देखिएगा एक बार। ठीक है, तो वोल्गा नदी जो है वो कैस्पियन सी में जा रही है, यूराल नदी जो है वो भी कैस्पियन सी में ही जा रही है, तो इस तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं चौथी नदी भी, ये देखिए जैम्बेजी नदी है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, अब देखिए थोड़ा बड़ा कर दिया है। ये सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा जो दिख रहा है जाम्बिया जिसमें लिखा हुआ है, तो ये जाम्बिया में जो नदी बह रही है नीली नीली सी लाइन जा रही होगी, दिख रही होगी आपको, ये जैम्बेजी नदी है। तो ये जाके आप देख रहे होंगे कि मोजाम्बिक से निकल के मेडागास्कर के पहले मीन्स मेडागास्कर और अफ्रीका की मुख्य जमीन के बीच में ये गिरती है मोजाम्बिक चैनल की तरफ। ठीक है, तो ये जैम्बेजी नदी है। बाकी आप एटलस वगैरह हो आपके पास तो मैप निकाल के अच्छे से देख लीजिएगा इसको, इसमें जो है ढंग के मैप मिल नहीं रहे थे, आ नहीं पाए हैं। और ये हमारा आज का अंतिम और पांचवा क्वेश्चन,
21 जून को सूरज डज नॉट सेट बिलो द होरिजन एट द आर्कटिकल सर्किल, आर्कटिक सर्किल मीन्स जो आर्कटिक सर्किल है उसके क्षितिज पर सूरज नहीं डूबता है। दूसरा है डज नॉट सेट बिलो द होरिजन एट अंटार्कटिक सर्किल, जो अंटार्कटिक सर्किल का क्षितिज है वहाँ पर नहीं डूबता है। तीसरा है साइंस वर्टिकली ओवर हेड एट नून ऑन द इक्वेटर, कि जो इक्वेटर है उसके ऊपर चमकता है ओवर हेड एकदम, है ना, और या फिर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर चमकता है। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं किसको, मकर रेखा को, मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में, तो 21 जून को सूरज होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरी बात कि देखिए सूरज की गति जो है 3-3 महीने में चलता है। आप देखिए जो 23.5 डिग्री की हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा होती है, तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के बीच की डिस्टेंस को 12 महीने में पूरा करता है, और इक्वेटर जो है ठीक बीचों बीच में है, तो इसलिए जैसे कर्क रेखा से विषुवत रेखा तक आने में 3 महीना लगेगा, फिर विषुवत रेखा से मकर रेखा तक जाने में 3 महीना लगेगा, फिर 3 महीना वापस आने में, और फिर वापस से कर्क रेखा तक आने में, तो 21 जून को सूरज जो है वो कर्क रेखा पर होता है। अब आप समझ लीजिए कि कर्क रेखा पर होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में तो जो है नहीं है, तो इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे हो नहीं सकता, और 21 जून को कर्क रेखा पे है तो इसका मतलब इक्वेटर पर भी नहीं है, तो नीचे के दो ऑप्शन तो ख़त्म हो गए। अब छुपता कहाँ नहीं है ये सोचने की बात है, तो छुपेगा उस ध्रुव पे नहीं जहाँ जिस गोलार्ध में होगा, क्योंकि आपको पता है ध्रुवों पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, तो जिस गोलार्ध में होगा उस गोलार्ध के ध्रुव पर अगर आप खड़े होंगे तो सूरज जो है कभी छिपता आपको नहीं दिखाई देगा, हर समय 6 महीने आपको दिन ही समझ में आएगा। तो इसलिए आंसर इसका है ए, डज नॉट सेट बिलो द होरिजन एट द आर्कटिक सर्किल। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्किल है, अंटार्कटिक सर्किल जो है दक्षिणी गोलार्ध में। अगर यही सूरज जो है आपको बोला जाता है 21 जून की जगह वहीं सितंबर में पहुंचता है, ये कहाँ, विषुवत रेखा पे, और सितंबर के बाद जो है ये दिसंबर में पहुंच जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो अगर दिसंबर में आपसे पूछा जाता कि तब ऑप्शन इसका हो जाता, अगर यही तारीख पड़ी होती ना 21 दिसंबर 22 दिसंबर, तो यही आंसर हो जाता बी, डज नॉट सेट बिलो द होरिजन एट अंटार्कटिक सर्किल। इवन हम आपको बताएं कि दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करने के बाद फिर 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में सूरज नहीं छिपेगा, मतलब आप ये समझिए कि अगर सितंबर के बाद की कोई डेट है तो सितंबर के बाद की किसी भी डेट पे आंसर बी ही होगा, और 6 महीने तक आंसर बी रहेगा, उसके बाद की अगर कोई डेट है तो फिर जो है आर्कटिक सर्किल की तरफ आ जाएगा। तो इसी के साथ चलिए हमारा वीडियो जो है यहीं समाप्त होता है, और थोड़ा सा आज के वीडियो में आपने देखा होगा एक्सप्लेनेशन थोड़ा उतना व्यवस्थित नहीं हो पाया, कुछ चीज़ें एडिट करने को रह गई थी, समय नहीं मिल पाया, तो इस चीज़ को भी ठीक करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद है, देखिए 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप देख ही ले रहे हैं ना, अब पर्याप्त जो एक्सप्लेनेशन भी शामिल करने लगे हैं, अब कल से जो है इसको और भी एकदम सटीक कर देंगे पूरी तरीके से। तो आप लोग जो है एक तो अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़िएगा मत किसी भी तरह से, ठीक है, और वीडियो आपको जो है पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी जो है एडिटोरियल का वीडियो भी है, और उसके बाद में डेली करंट अफेयर के बेसिस पर जो है 5 क्वेश्चन डेली डालते हैं, उनको तो आप ज़रूरी अटेम्प्ट करिए, क्योंकि उनसे आपका नॉलेज जो बढ़ेगा उतना नॉलेज मतलब कि आपको कितनी हेल्प करेगा आपको भी उसका अनुमान नहीं है। और अगर उपयोगी लगता है आपको वीडियो और लगता है कि हाँ वीडियो इसी तरीके से मिलते रहें तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, जो प्रिलिम्स को लेकर भी अब धीरे से हम लोग मतलब एक वीडियो अपलोड करना मैं स्टार्ट करूँगा प्रिलिम्स स्पेशल के लिए, ताकि जो है प्रिलिम्स से रिलेटेड टॉपिक भी कवर हो सकें, क्योंकि एडिटोरियल में भी काफ़ी समय चला जाता है उसे मेंटेन करने में। तो चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, और आप लोग जो है जब सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा खुशी होती है। खैर कोई बात नहीं, मोटिवेशन तरह काम करता है, लेकिन आपके लिए अगर उपयोगी है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए नमस्कार, धन्यवाद।